हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड हार्डवेयर। सो कंप्यूटर फंडामेंटल एंड हार्डवेयर से रिलेटेड जो है आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन का जो है मैं सेट लेके आया हूँ। डेली जो है हमारे जो है मॉक टेस्ट सीरीज़ ये चल रही है। जिसने भी जो है अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो काइंडली जाके देख लें। GUI पे पूरा जो है प्लेलिस्ट बन चुका है, उस पे जाके जो है टॉपिक वाइज भी आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक भी कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू टोटली प्रोटेक्ट ए PC फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग ए इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म। जब इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है तब जो है PC को जो है हम डैमेज से कैसे बचा सकते हैं। सो आपके पास 4 ऑप्शन है। मेरा आंसर देने से पहले खुद का वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप और आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डिस्कनेक्ट द AC पावर केबल। आप सिंपली जो है यहाँ पे AC पावर केबल जो होती है अल्टरनेटिव करंट वाली, उसको आप डिस्कनेक्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट, What can you use to ensure power is not interrupted resulting in corrupted data? So, ऐसा इंश्योर करने के लिए कि पावर जो है इंटरप्ट ना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं। इसमें भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। UPS का हम इस्तेमाल करते हैं जो है एमरजेंसी पावर के लिए। Which monitor would provide the highest level of performance? Highest level की performance जो है इनमें से कौन सा monitor जो है provide करवाएगा, ठीक है। ये है SVGA, राइट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आपने जो है इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, ठीक है। VGA सो आपको पता चल गया है कि विजुअल ग्राफिक एरे होता है, S से आपको बताना है, या फिर आप फुल नेम जो है इसका क्या है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, द पोस्ट रूटीन विच काउंट्स सिस्टम बोर्ड RAM फर्स्ट इज स्टोर्ड इन। तो बेसिकली जो RAM पोस्ट है, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो होता है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वो आपको ROM BIOS के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी के जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है उसके अंदर जो है आपको ये पोस्ट रूटीन देखने को मिलेगा। When you boot a PC and don't hear any beep, this could suggest which of the following? जब आप PC को स्टार्ट करते हैं तो अगर आपको बीप की आवाज़ नहीं सुनाई देती है तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है। पहला है मोनिटर इज टर्न ऑफ, कीबोर्ड नॉट प्लग्ड इन, या नॉर्मल PC बूट, या फिर बैड और डिस्कनेक्टेड स्पीकर। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा बिल्कुल, कि स्पीकर जो है वो डिस्कनेक्टेड हो सकता है, राइट। सो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बीप की आवाज़ तभी आएगी जब आपका स्पीकर काम कर रहा होगा। विच प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट डेटा एक्सेस टाइम, ठीक है। फास्टेस्ट डेटा एक्सेस टाइम जो है इनमें से कौन सा प्रोवाइड करवाएगा, तो इसमें से जो है आपका जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो प्रोवाइड करवाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, अ पैरिटी एरर यूजुअली इंडिकेट्स अ प्रॉब्लम विद। जो पैरिटी एरर होता है वो जो है कौन सी प्रॉब्लम दर्शाता है, तो पैरिटी जो एरर होता है वो मेमोरी की जो है यहाँ पे प्रॉब्लम दर्शाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इन टू योर कंप्यूटर। परमानेंट मेमोरी जो हमारे कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन होती है वो कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, रीड ओनली मेमोरी, राइट। रीड ओनली मेमोरी इज द परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। चिप इज ए कॉमन निक नेम फॉर, तो चिप एक कॉमन निक नेम है किस चीज़ का, इनमें से ट्रांजिस्टर का, रेसिस्टर का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, या फिर सेमीकंडक्टर का। तो आई होप आपको इसका आंसर मालूम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का, राइट। और हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट जो है कौन सी जनरेशन में आए थे, ये हमारे कंप्यूटर की जो 3rd जनरेशन थी उसमें आए थे। ट्रांजिस्टर की जहाँ तक बात है ये हमारे 2nd जनरेशन के कंप्यूटर्स में हुआ करता था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस द डैश लुक्स फॉर द सिस्टम फाइल्स। जब हमारा कंप्यूटर बूट होता है तो सिस्टम फाइल्स को जो है कौन देखता है, सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है दैट लुक्स फॉर द सिस्टम फाइल्स। द रेजोल्यूशन ऑफ अ मोनीटर इज़ मेजर्ड इन वेरी सिंपल क्वेश्चन और काफ़ी बार रिपीट भी होता है। जो रेजोल्यूशन होता है आपके मोनीटर का वो डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, डॉट्स पर इंच। CD-ROM इज़ ए काइंड ऑफ, CD-ROM किस टाइप की जो है मेमोरी है, ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है या फिर मैग्नेटिक डिस्क। तो ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक डिस्क है, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक डिस्क का एग्जांपल है कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और सेकंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे और थर्ड जनरेशन के इंटीग्रेटेड सर्किट एंड फोर्थ जनरेशन में आपके माइक्रो प्रोसेसर आए थे। क्वेरी इज़ यूज्ड विद रेफरेंस टू, तो क्वेरी क्या चीज़ है? आप जेआरटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपकी टाइपिंग भी होती है और आपका जो टाइपिंग का कीबोर्ड होता है वो क्वेरी कीबोर्ड होता है, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या होगा? सी। आप कभी भी जो है अपने कीबोर्ड की जो ABC होता है, ABC वाला जो स्टार्टिंग वाली लाइन होगी अल्फ़ाबेट वाली, तो वो इस तरह की होगी, क्वेरिटी लिखा होगा उस पर, ठीक है। क्वेरिटी इस क्यू से स्टार्ट होगी, W आएगा, E आएगा, R आएगा, T आएगा एंड Y आएगा, राइट। सो एक कीबोर्ड का एग्जाम्पल है। व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ UPS? तो UPS का ऑब्जेक्टिव हमने पहले डिस्कस किया कि UPS जो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, तो क्या हमें प्रोवाइड करवाता है? ये हमें बैकअप पावर प्रोवाइड करवाता है, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे, इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स एंड द मदरबोर्ड थ्रू, तो इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करती है, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम है, मदरबोर्ड है, तो वो आपके बसेस के थ्रू। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। विच पेरिफेरल पोर्ट प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट थ्रूपुट टू लेज़र प्रिंटर, तो फास्टेस्ट थ्रूपुट जो है यहाँ पे कौन सा पेरिफेरल पोर्ट जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा लेज़र प्रिंटर? तो प्रिंटिंग में जो है आपका पैरेलल पोर्ट यूज़ होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पैरेलल पोर्ट्स यूज़ होता है आपके प्रिंटर्स में। एंड अगर हम माउस की बात करें तो माउस वगैरह में जो है आपका कौन सा सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल होता है, तो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट इज़ GUI डिवाइसेस आर, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिवाइस इनमें से कौन सी है? तो ये है आपकी माउस, ठीक है। माउस जो है एज ए हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है इस्तेमाल करते हैं। हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आइकन्स होते हैं, तो ये क्या है? एक GUI सिस्टम है जिस पे हम जो है माउस के थ्रू क्लिक करके इसको ओपन या क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम सेलेक्ट। अगर हम F8 की जो है, हमें पता है कि हमारी जो है F1 से लेके F12 तक जो है 12 फंक्शनल कीज़ होती हैं, उसमें से जो F8 है, F8 को अगर हम 3 बार प्रेस करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? वो सेंटेंस को सेलेक्ट करेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, राइट। यहाँ पे हम वर्ड के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो वर्ड में अगर आप 3 बार जो है F8 को दबाएंगे तो सेंटेंस होगा। आपने कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, अगर F8 को 2 बार दबाएंगे तो क्या यहाँ पे जो है वो बताएगा, राइट। एंड साथ ही साथ अगर 4 बार दबाएंगे तब क्या वो जो है वहाँ पे बताएगा। तो इसको ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट इज़ हु वाज द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो है एडा लवलेस, ठीक है, एडा लवलेस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच लैंग्वेज डज MS वर्ड यूज़ टू क्रिएट मैक्रोस, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट भी होता है ये, ओके। सो मैक्रोस जो बनाते हैं हम, वो बनाते हैं विजुअल बेसिक के थ्रू, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, विजुअल बेसिक। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिम, जो हम मोबाइल में सिम यूज़ करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, DSL नेटवर्किंग में यूज़ होता है, DSL, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो DSL का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज़ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज़ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। विंचेस्टर ड्राइव जो है किसको बोला जाता है? ये दूसरा नाम है विंचेस्टर ड्राइव का, तो ये हार्ड डिस्क ड्राइव को बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, हार्ड डिस्क ड्राइव को याद रखना विंचेस्टर ड्राइव भी बोला जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हाउ मेनी पिन्स ऑन ए वीजीए। वीजीए क्या है? विजुअल ग्राफिक एरे, ठीक है। सो कितनी पिन्स होती हैं इसमें? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15 पिन्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सो दिस वॉज द टुडेज लेक्चर गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नए स्टूडेंट जो जुड़े हैं, चाहे वो क्लरिकल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जीओए की या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, जो भी HP SSB के एग्ज़ाम होते हैं। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस करता रहता हूँ। और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।